सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी एक HDFC का बैंक अकाउंट है और आप घर बैठे ही पता करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं, तो इस वीडियो को एंड जरूर देखिएगा। एंड उसी के साथ आपको यही बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट के साथ आधार और पैन दोनों लिंक रहता है बट KYC अप्रूव नहीं हुआ रहता है। तो आप ये भी पता कर पाएंगे मोबाइल फोन को यूज करके कि आपका KYC स्टेटस में अप्रूव है या नॉट अप्रूव्ड है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फॉर आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिस एप्लीकेशन का नाम है HDFC बैंक। जैसे फ्रेंड्स आप इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी आप लॉगिन ये 4 डिजिट का लॉगिन पिन आप यहाँ पर सेट करेंगे, वही लॉगिन पिन आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा और एंटर करने के बाद आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपका HDFC का पोर्टल जो है इस तरह देखने को मिल जाएगा और यहां आपका अकाउंट का जो भी बैलेंस हो यहां पे भी ये बैलेंस डायरेक्ट शो हो जाएगा। बट हम बात करने वाले हैं कि आप ये कैसे पता करेंगे कि आपके अकाउंट के साथ आपके आधार और पैन लिंक है या नहीं। तो उसके लिए आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा योर प्रोफाइल। आपको जैसे फ्रेंड्स योर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा पर्सनल प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोन मिलेगा और यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल जाता है, देखिए यहाँ पर आपका नाम और कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आधार एंड पैन लिखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे आधार के लास्ट के 4 डिजिट और पैन के लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर शो रहे हैं। तो ये तो पता चल गया कि आपके अकाउंट के साथ आधार और पैन दोनों लिंक है, बट हम ये कैसे पता करेंगे कि दोनों लिंक है बट KYC में स्टेटस में वहाँ पे यस है या नो। अगर यस है KYC स्टेटस तो सही है, अगर नो है तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा, KYC फॉर्म भर के वहाँ पे आपको अपडेट करवाना होगा। तो फ्रेंड्स ये कैसे पता करेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3rd ऑप्शन मिल जाता है KYC, तो आपको इजिली इस पर क्लिक करना है और जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा KYC स्टेटस और देखिए यहाँ पर Y लिखा हुआ है। अगर आपका भी Y लिखा हुआ मिल रहा वहाँ पर दिख रहा तो इसका मतलब आपका KYC जो है सक्सेसफुली अप्रूव्ड है आपके अकाउंट के साथ। अगर यहाँ पे N लिखा रहेगा तो इसका मतलब आपका KYC जो अपडेट नहीं है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको ब्रांच में विजिट करना होगा। तो आप इस तरीके से पता कर पाएंगे कि आपके अकाउंट में जो आधार और पैन लिंक है वो KYC हुआ है या नहीं। और यहाँ पे आपको 2nd ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट, अगर आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पता कर पाएंगे कि आपके अकाउंट के साथ कौन सा मोबाइल नंबर, कौन सा ईमेल आईडी लिंक है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स किस तरीके से चेक किया जाता है आधार पैन लिंक है या नहीं अपने अकाउंट के साथ। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।